Hello everyone, we were discussing the IOQ week part 2 2021 paper. So we have already discussed question number 23. So now we have come to ecology section. Now question number 24. The diagram represents the transition in the spirit of individual of population of bird under the influence of species interaction. Which type of interaction will lead to change in the pattern of distribution of bird indicated by shaded region as indicated by arrows. Basically देखिए क्या दिया हुआ कि एक पूरा मान लीजिए एक पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कर्व दिया हुआ है आपका, इसे मान लीजिए पूरा आपका एक क्या है एरिया, ठीक है, पूरा फॉरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले क्या था कि बर्ड जो ऑक्यूपाई कर रहे थे एक पार्टिकुलर रीजन, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका था बर्ड का एक पार्टिकुलर रीजन में था, एक इंडिविजुअल बर्ड का यहीं तक बस उनका क्या था टेरिटरी लिमिटेड था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा वो क्या हो रहा उनका टेरिटरी एक्सपेंड कर, यानी बर्ड जो क्या हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, बस इतना ही रीजन में नहीं जा रही है, फैलती जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती जा रही है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है मतलब इनमें से क्या कारण हो सकता है, जैसे इनमें से क्या कारण हो सकता है कि क्या इंटरेक्शन शो कर रहे हैं जिसकी वजह से मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्प्रेड करता जा रहा है। अब देखिए आप समय चेक कर लेते हैं, प्रीडेशन, प्रीडेशन मतलब आपका इधर का हंटिंग मान लीजिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है केवल हंटिंग है। प्रीडेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, किल कर रहा और उसको उससे अपना क्या कर रहा है भोजन का निर्वाह कर रहा है। लेकिन जो बर्ड है अगर प्रीडेशन करती तो पॉपुलेशन का जो आपका बर्ड का होता उनमें काफी कोई जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चेंजिंग नहीं आता, बल्कि क्या होता जो प्रे है, प्रीडेशन में क्या होता है कि मान लीजिए जो प्रे है उसका पॉपुलेशन क्या होता कम होता और बर्ड के पॉपुलेशन में कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नहीं मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन में उनका काफी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। या सुन दोगे नहीं सकता, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म और बर्ड का कोई खास रिलेशन है नहीं। पैरासाइट मतलब जो आपका होस्ट के बॉडी को डिस्ट्रॉय करें, तो पैरासाइट को बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे बर्ड को और स्प्रेड होने तो देंगे नहीं, तो भी कोई ऑप्शन नहीं हुआ, वो पॉपुलेशन को कम करते पैरासाइट। अब देखिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, अब देखिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अगर हो रहा है, यानी इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है जो कंपटीशन होगा, कंपटीशन में बेसिकली क्या होता है दोनों लोग का घाटा लगता है, जो दो कंपटीटिंग स्पीशीज होती है, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कंपटीशन किसके बीच में होता है, टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन होता है। इट मींस जो कंपटीशन होगा अगर सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक हो गया, अगर अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक पिजन हो गया और पिजन हो गया एंड एक मान लीजिए आपका पैरट हो गया, ठीक है, पिजन हो गया और पैरट हो गया, ये दो डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक। इनके बीच में अगर कंपटीशन हो इसमें इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, और अगर मान लीजिए पिजन एक पिजन है और एक दूसरा पिजन है, ठीक है, दो पिजन के बीच में अगर कंपटीशन होगा उसको क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक। अब देखिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो ज्यादा इंटेंस होता है, ठीक है, क्योंकि वो सेम हायरार्की लेवल पे रहते हैं, यानी उनका जो एक तरह से कह सकते हैं आप नीज जो रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। यानी जिस स्पीसीज को जिन एनिमल को वो किल करेगा दूसरा इंडिविजुअल उसी एनिमल को किल करेगा, उसका भी सेम क्या होगा आपका ईटिंग हैबिटेट होगा, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, काफी इंटेंस होता है। अब अगर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ तो क्या होगा, ज्यादा चांस है कि अब हमारे यहाँ तक ऑक्यूपाई कर रहे थे तो जो सीड था या जो फूड था वहां पे इस एरिया में घटते लगेगा कंपटीशन होगा, तो क्या होगा बर्ड स्प्रेड करेंगी चारों पोर्ट फॉरेस्ट के कि ज्यादा ज्यादा उनको फूड मिल सके, अब बर्ड स्प्रेड करना चालू कर दी। देखिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में भी बर्ड स्प्रेड करते, ठीक है, लेकिन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा इंटेंस होता है और ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा तो प्रोपोगेट ऑफ कौन सा होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। इसलिए समझिए हमारा क्या सही होगा,
क्योंकि ज्यादा एरिया को पाई करते जाएंगे ताकि वो अपने आप को फिट कर सके। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, बायोमास पिरामिड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज शोन, एरो इंडिकेट द एनर्जी ट्रांसफर एट टू एरियस लेवल। उससे पूछा द मेजर एनर्जी ट्रांसफर अकर्स एट, बेसिक बात है। देखिए कुछ भी दिया हो डायग्राम में हमको कोई मतलब नहीं है, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है एट डिफरेंट लेवल होता है वो क्या करता है, लिंडमैन रूल फॉलो करता है। ठीक है, कौन सा रूल फॉलो करता है, लिंडमैन रूल फॉलो करता है। इसके अकॉर्डिंग केवल 10% एनर्जी जो होता है वो नेक्स्ट लेवल को क्या होता है, सेंड होता है। मतलब मान लीजिए कोई भी फूड चेन हुआ तो एनर्जी जो होगा, ठीक है, कोई भी फूड चेन हुआ वो जो एनर्जी दिया जाता है अगले लेवल को, ठीक है, उस फूड चेन में केवल 10% जो एनर्जी है उस बॉडी के पास, मान लीजिए सन से एनर्जी अगर आया, ठीक है, और ग्रास जो ग्रास है वो क्या हुआ, राइज किए और उसको ईट किया मान लीजिए ग्रास ऊपर, और ग्रास ऊपर का मान लीजिए ईट किया, इको ईट किया मान लीजिए फ्रॉग ने, तो क्या होगा, जितना एनर्जी यहाँ पे मान लीजिए रेस्ट किया, मान लीजिए 100 जूल एनर्जी यहाँ पे स्टोर है, तो मात्र यहाँ पे 10 जूल एनर्जी जाएगी ग्रास के पास, और 10 जूल का केवल 1 जूल मात्र लीजिए 10% एनर्जी, यानी 1 जूल केवल एनर्जी आपके पास फ्रॉग के पास जाएगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर आप देखेंगे तो किसी भी फूड चेन में फर्स्ट लेवल पे होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं फर्स्ट लेवल में। अब बल्कि अगर केवल वन दिया होता है, वन पे ही दिया होता है, अगर दोनों जगह वन और टू लेवल पे एक नहीं बना होता फिर भी हमारा आंसर वन ही होता है, लेकिन यहाँ पे डबल दे दिया तो जाहिर सी बात है मेजर एनर्जी ट्रांसफर कहाँ होगा, वन पे ही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। पॉसिबल इंटरेक्शन बिटवीन थ्री स्पीसीज नियर अ सी शोर आर डिपिक्टेड, अमंग थ्री स्पीसीज स्पीसीज थ्री आल्सो एक्ट एज अ साइट ऑफ प्रे रिफ्यूजी एंड स्पॉनिंग। पहले हम लोग मेरी समझ लेते हैं प्रे रिफ्यूजी का और स्पॉनिंग का। प्रे रिफ्यूजी मतलब वो जगह जहाँ प्रे यानी जिन एनिमल का हंटिंग होगा, मान लीजिए जैसे जो स्नेक है वो ईगल का क्या है, प्रे मतलब उसका शिकार है। ठीक है, तो प्रे रिफ्यूजी का मतलब जहाँ प्रे रहते हैं, प्रे कहाँ रहेंगे, जहाँ उनके पास उनको ज्यादा चांस रहेगा सर्वाइवल का। अपने घर में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने घर में रहता है वो ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा सिक्योर कैसे है, उसके पास स्ट्रेटजी है अपने दुश्मन से बचने का उस जगह। तो सेम उसी तरह अगर प्रे रिफ्यूजी का जिक्र है तो वो शायद जहाँ प्रे रिफ्यूजी रह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास उस जगह पे कोई ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे वो अपने प्रीडेशन को कम कर सकेंगे। सांप तो बंद हो नहीं पाएगा लेकिन हाँ अपने प्रीडेशन अपने यानी अपने एनिमी से बच सकते हैं, आसानी से बच सकते हैं, वो सबसे सेफेस्ट जगह उनके लिए होगा। ठीक है, और उसके बाद स्पॉनिंग, स्पॉनिंग का मतलब होता है वो जो प्रोसेस होता है स्पॉनिंग, उसका मतलब होता है कि क्या होता है, देखिए जो फ्रॉग हुए ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और हुए ये क्या करते हैं, अपने एक रिलीज कर देते हैं वाटर में। ठीक है, और आपका बॉडी के बाहर साइड क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या होता है, मेल क्या कर देता है अपना स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल अपना एक रिलीज कर देती है पानी के अंदर, और वाटर के अंदर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो स्पॉनिंग क्या होता है, जो एक रिलीज करते हैं वो लोग, ठीक है, आउटसाइड उस जिस साइड रिलीज कर रहा हूँ, मान लीजिए वो साइड कौन सा है, थ्री, तो स्पॉनिंग का मतलब हो गया कि जो एक रिलीज कर रहा है किस साइड पे रिलीज कर रहा है, थर्ड साइड पे। ठीक है, यानी जो साइड थ्री है वहाँ पे जो स्पीसीज थ्री जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ स्पीसीज थ्री रह रहे हैं वहाँ पे प्रे रह, वहाँ पे प्रे भी रह रहे हैं, ठीक, और वहीं पर अपना स्पॉनिंग भी कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज वन टू द साइट वेल, यानी कह रहा है अगर हम स्पीसीज वन को यहाँ पे ला दें तो उसका क्या रिजल्ट होगा, पहला डिक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, डिक्रीज द हैबिटुअल हैबिटेट कॉम्प्लेक्सिटी, प्रिवेंट द डोमिनेंस ऑफ स्पीसीज व्हिच वुड अदरवाइज लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर यहाँ से देखें, अगर स्पीसीज मान लीजिए इस एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वही पुराना एग्जांपल लेते हैं, अब ये हो गया मान लीजिए ग्रास, ठीक है, ग्रास को ईट करेगा ग्रास ऊपर, ठीक, ग्रास ऊपर को ईट करेगा फ्रॉग,
गया फ्रॉग, ठीक डायग्राम बेकार है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। फ्रॉग को ईट करेगा स्नेक, ये हो गया स्पीसीज वन, ये हो गया स्पीसीज टू, और ये हो गया स्पीसीज थ्री। अब ध्यान से देखिए, अब क्या हुआ कि अगर हम फ्रॉग को हम लोग इस साइड पे ही डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जहां ग्रास ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या ग्रास का पॉपुलेशन कम होगा? नहीं, फ्रॉग तो ग्रास खाएगा नहीं, तो ग्रास का पॉपुलेशन और ग्रो होगा। बल्कि वो क्या होगा, अगर ग्रास के साइड पे, ग्रास के साइड पे मान लीजिए क्या होंगे, जो ग्रास ऊपर होंगे वो खाने तो ग्रास को आएंगे, ठीक है। तो जो फ्रॉग अगर इसी साइड पे पहुंच गया जहां पे फ्रॉग ग्रास को खाने आ रहे हैं ग्रासों पर, तो क्या होगा, वहां पे ग्रास ज्यादा ग्रो करेगा क्योंकि वो ग्रास ऊपर को खा जाएंगे आसानी से, ठीक। सेम यहाँ पे अप्लाई कीजिए, अगर स्पीसीज वन को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए तो क्या स्पीसीज थ्री का पॉपुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बल्कि और क्या होगा, स्पीसीज थ्री का पॉपुलेशन और इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि स्पीसीज टू था उसका पॉपुलेशन वहाँ इस रीजन में जहाँ पे स्पीसीज थ्री है वहां पे कम हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा, देखिए ये स्पॉनिंग साइट है, ठीक है, स्पॉनिंग साइट है, यानी यहाँ पे ज्यादा ज्यादा न्यूरॉन्स फॉर्म हो गए, न्यूरॉन्स फॉर्म हो रहा है। अगर स्पीसीज टू का पॉपुलेशन कम होता जा रहा, अगर स्पीसीज टू का पॉपुलेशन कम हो जाए यानी स्पीसीज थ्री आसानी से इलोबोरेट करेंगे, जितना ज्यादा इलोबोरेट करेंगे उनका बायोडाइवर्सिटी उतना ही बढ़ेगा, जितना इंक्रीज होता जाएगा जितना ही उनका स्पीसीज थ्री का बायोडाइवर्सिटी बढ़ता जाएगा, यानी ये तो गलत हो गया, बढ़ेगा। डिक्रीजिंग द हैबिटेट कॉम्प्लेक्सिटी, अगर स्पीसीज वन नहीं रहता तो सिंपल एक फूड चेन था, स्पीसीज थ्री को स्पीसीज टू खाया, स्पीसीज टू को स्पीसीज वन खाया, लेकिन क्या हुआ कि अगर हैबिटेट कॉम्प्लेक्सिटी, अगर स्पीसीज वन को हम इंट्रोड्यूस कर दिए स्पीसीज थ्री के साइड पे, तो एक और रिलेशन हो सकता है कि जो आपका स्पीसीज वन है वो स्टार्ट कर दे स्पीसीज थ्री को एक डिफरेंट वैरायटी को फीड कर, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, पहले जो स्पीसीज टू को खा रहा था, हो सकता है वो स्पीसीज थ्री को भी इस इनिशियल फेज में नहीं लेकिन बाद में खाना चालू कर दे, ठीक। तो क्या करेगा, हैबिटेट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाएगा, हो सकता है एक दो हैबिटेट को वह डिस्ट्रॉय भी कर दे, तो ये बात भी गलत है, ठीक है, वह इंक्रीज करेगा हैबिटेट कॉम्प्लेक्सिटी को। अब देखिए, प्रिवेंट डोमिनेंस ऑफ स्पीसीज विच वुड अदरवाइज लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चाहिए देखिए कैसे, प्रिवेंट डोमिनेंस ऑफ स्पीसीज, अगर स्पीसीज टू, अगर स्पीसीज वन को आप इंट्रोड्यूस नहीं करते स्पीसीज थ्री के साइड पे, तो क्या होता, स्पीसीज टू क्या होता आपका, इलुबरेट करता, काफी इंक्रीज करता, और अगर इंक्रीज करता तो स्पीसीज थ्री का पॉपुलेशन क्या करने लगता, घटने लगता। जैसे मान लीजिए अगर अगर हम लोग फ्रॉग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करते तो ग्रास ऊपर का पॉपुलेशन बढ़ता जाए तो क्या करेगा, वो ग्रास का पॉपुलेशन कम करता जाएगा, घास बहुत कम होते जाएंगे। लेकिन अगर वही हम लोग घास को यहाँ पे ग्रास ऊपर फ्रॉग को यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर दें तो ग्रास ऊपर आएंगे ही नहीं, तो यहाँ क्या हुआ, स्पीसीज वन का जो बायोडाइवर्सिटी वो बचा रहेगा, यानी ये डोमिनेंस ऑफ स्पीसीज विच वुड लीड टू अदरवाइज लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को बचाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड वन, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, टेरिटोरियल बिहेवियर is exhibited by animals in order to protect territory from the intrusion by other members of its species. There is cost and benefit associated with this behavior of the cost and the benefit varying according to the size of territory defined. Basically क्या दिया हुआ, देखिए ये हो गया, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह अपना एक टेरिटरी या रीजन ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि उस एरिया में कोई और ना आए, यानी उसके फूड को कोई और ना ले। जैसे मान लीजिए हम ही लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना अपना जमीन ले लेते हैं, हर जगह अपना अपना घर बना लेते हैं, मान लीजिए जहाँ जहाँ हमारा जमीन होता है हम लोग अपना एक टेरिटरी बना लेते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए इंडिया का अपना टेरिटोरी है, मान लीजिए अलग अलग देश का अपना अपना टेरिटोरी है। क्यों अपना अपना टेरिटरी बना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई अदर टेरिटरी, यानी कोई जो रिसोर्स है हमारा वो कोई और ले जाए, यानी हमको रिसोर्स की कमी ना पड़े, ठीक है। और दूसरा भी यही सोच के अपना टेरिटरी बनाता है, दूसरा कोई हमारे रिसोर्स में ना इंटरफेयर, ठीक है। उसी तरह एनिमल के केस में भी होता है, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपना अपना टेरिटरी बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इस टेरिटरी बनाने का कुछ अपना फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। तो कॉस्ट मतलब बेसिकली आप मान लीजिए क्या लॉस हो जा रहा है उनका, क्या लॉस जा रहा है टेरिटरी बनाने का, ठीक है। और बेनिफिट मतलब टेरिटरी बनाने का फायदा क्या है,
ये डिपेंड कर रहा है कि साइज कितना है, टेरिटरी का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ठीक है, बेनिफिट उतना ही जल्दी उसमें कम होते जाएगा ठीक है, और लॉस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी टेरिटरी का साइज अगर कम है, यानी जितना एरिया जो ऑक्युपाई कर रहा है ठीक है, अगर वो कम है तो उनको बेनिफिट ज्यादा होगा ठीक है। अब देखिए, अब हम अभी पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज टेरिटोरियल बिहेवियर लाइकली टू बी ऑब्जर्व, किस सिचुएशन में टेरिटरी जो ऑक्युपेंसी है, हर जगह टेरिटरी बिहेवियर नहीं दिखता है। मान लीजिए जहाँ भरपूर रिसोर्स है, यानी कोई रिसोर्स की कमी ही नहीं है, वहां पर अपना अपना टेरिटोरी क्यों बनाएंगे भाई, जब किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए सब फ्री रहेंगे, सब जितना मन के उतना, अगर खाना है खाना भरमार उपलब्ध है तो क्यों दूसरे वाला करने जाएंगे भाई, जिसको जितना मन करे उतना खाए, वो अपना टेरिटरी क्यों बनाएगा ठीक है। तो अब देखिए आप सब भाई देखते हैं, टेरिटरी विथ एबंडेंस ये तो हो नहीं सकता, ऐसे पहले ही बता दें। हैबिटेट विथ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट हाई रेनफॉल, हाँ ये बात सही है। देखिए अगर रिसोर्स कम है यानी लिमिटेड है तो अपना अपना टेरिटरी बना लेंगे, कि कोई दूसरा उसमें, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में आपने ठीक है, अगर खाना लिमिटेड में तो क्या करेंगे, वो लोग फिक्स कर देते हैं कि हाँ इस वैसे घर के जो लोग रहेंगे वो कम खाएंगे, बाहर के लोग जो रहेंगे वो ज्यादा खाएंगे। मतलब मान लीजिए आइसक्रीम हो गया तो बढ़िया बढ़िया डिश होता है, वो लोग बाहर के लोग ज्यादा खाते हैं, जो घर के लोग रहते हैं वो कम से कम, मतलब अपना सोचते हैं कि पहले मेहमान की इज्जत है। तो सेम वही चीज है, यानी वह जो लिमिटेड अगर है तो क्या करेंगे, वो लोग प्रिफरेंशियल आता है कि अपना अपना टेरिटरी बना लेंगे। सेम वही है, हैबिटेट विथ लिमिटेड अवेलेबिलिटी, यानी अगर लिमिटेड में रहेगा तो क्या करेंगे, अपना अपना टेरिटरी बना लेंगे, हाँ इसमें यह खाएंगे उसमें वो खाएंगे लोग उसी तरह। लेकिन उसका एक और चीज है, अगर मान लीजिए वह रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रहा, यानी वो फिर से अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर पाया। मान लीजिए एक साइट है, मान लीजिए इस साइट को पूरा आर्गेनिज्म अपना रह रहा था, एक साल में रिसोर्स तो है, कितना भी रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, मान लीजिए अपना टेरिटरी में उसके रिसोर्स अपना ऑक्युपाई कर लिया, रिसोर्स को खाते गया लेकिन वो रिसोर्स फिर से रिजनरेट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर से वो दूसरे जगह टेरिटरी बनाना जाएगा, एक तरह का क्या जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा, तो एक तरह का टेरिटरी ना रह के शिफ्टिंग हो गया ठीक है। तो टेरिटरी बनाने के लिए आप क्या होना चाहिए, रिन्यूअल होना चाहिए, यानी वो जो रिसोर्स खा रहा है वो फिर से रिजनरेट हो जाना चाहिए ठीक है, यानी आपका सही है। अब तीसरा पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अनप्रेडिक्टेबल इन स्पेस एंड टाइम, जो रिसोर्स है वो अनप्रेडिक्टेबल है टाइम और स्पेस के साथ। भाई देखिए अगर अनप्रेडिक्टेबल ही है तो वह क्यों एक जगह रुकेगा, मतलब उसका कोई फिक्स ही नहीं है कि यहाँ पे भोजन हमको मिलेगा ही, तो अपना टेरिटरी क्यों बनाएगा वहाँ पे, वह क्यों वहाँ पे रहना ही चाहेगा अगर वहाँ पे फिक्स ही नहीं है कि कब रहेगा कब नहीं मिलेगा ठीक है। यह सबसे गलत है। हैबिटेट विथ कौन स्पेसिफिक आर ऑलमोस्ट ऑप्शन, देखिए पहले कौन स्पेसिफिक का मतलब समझ लेते हैं, कौन स्पेसिफिक वो इंडिविजुअल होते हैं कि जो जैसे सेम ही स्पेसिस के तो होंगे लेकिन वो अपने आप को दिखाएंगे कि वो सेम स्पेसिस के नहीं। जैसे मान लीजिए एक होता है, आप लोग को मालूम नहीं पता नहीं, एक होता है कैट का एक वैरायटी होता है, बम्बिलार हम लोग कहते हैं हम लोग यहाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो एक तरह का कैट ही होती है लेकिन उस जो होती है वो प्रिटेंड करती है, यानी वो डराती है दूसरे कैट को, उसका कलर अलग होता है तो डराती है दूसरे कैट को कि उसके पास ना जाए, मतलब तो वो एक होती तो सेम स्पीसीज के हैं लेकिन वो प्रिटेंड करती हैं कि वो उस स्पीसीज की नहीं है। तो अब देखिए हैबिटेट वेयर कौन स्पेसिफिक आर मोस्ट ऑप्शन, तो वो हैबिटेट जहाँ पे जो प्रिटेंड कर रहे हैं एब्सेंट है वहां पे टेरिटरी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कौन स्पेसिफिक रहते तब उससे डर के वो सब बनाने की चांस रखते हैं, कौन स्पेसिफिक की वजह से ज्यादा चांस होता है टेरिटरी बनने का, क्योंकि वो डर रहता है कि वो डरा के उसको ऑक्युपाई ना कर ले टेरिटरी उसका, मतलब उसके रिसोर्स पे हमला ना बोल। लेकिन अगर कौन स्पेसिफिक एब्सेंट है तो उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन की गलत है। अब देखिए क्वेश्चन 28 जो है वो 27 पे ही बेस्ड है, इसलिए इसी के साथ डिस्कस कर लेना। रिफर टू क्वेश्चन नंबर 27 वेयर डिफरेंट टेरिटरी साइज आर डिनोटेड बाय SPQRS इन द ग्राफ, व्हिच टेरिटरी साइज इज ऑप्टिमम फॉर एनिमल टू डिफेंड। अब देखिए डिफेंड करने के लिए, यानी आराम से मान लीजिए रह सके, उसको कोई नुकसान उखान ना हो, ऑप्टिमम यानी सबसे बेस्ट जगह कौन सी टेरिटरी रहेगी, मतलब कितना एरिया ऑक्युपाई करे ताकि वो अपने आप को मोस्ट सूटेबल प्लेस पे पाए। अब ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए लॉस है और ये बेनिफिट है, तो जहाँ प्रॉफिट ज्यादा होगा और लॉस कम होगा आदमी वही जाना चाहेगा, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जितना ही ज्यादा रहेगा बेनिफिट की तरफ में वो उतना ही बढ़िया रहेगा। इसमें देखिए बेनिफिट वाले लाइन में देखिए पी में जो डिफरेंस है इतना का, सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, क्यू में सबसे ज्यादा बेनिफिट है, लॉस सबसे ज्यादा कम है,
उसके देखिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो का सबसे ज्यादा किसमें है, क्यों में है, यानी उसमें बेनिफिट ज्यादा आ रहा है लॉस कम हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें बेनिफिट हो रहा है लॉस, बेनिफिट ज्यादा हो रहा है लॉस कम हो रहा है, लेकिन जो इसमें डिफरेंस है लॉस और बेनिफिट का वो कम है इसके मुकाबले, क्योंकि टेरिटरी के मुकाबले इसमें कम मोस्ट ऑप्टिमम मेथड कौन सा हुआ, क्यों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आते हैं हम लोग का बायोसिस्टमैटिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द पर्जिन वन, जो पर्जिन है वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ऑब्टेंट है वो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सर्टेन फीचर इन फोर एनिमल एम से पी तक इस तो बिलो, ठीक। अब हमको बताना है जो एम एन ओपी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए जहाँ सभी में प्रेजेंट है, ये कोई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ भाई, सब में प्रेजेंट हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा, ठीक है। अब भाई ये लंग पे तीन एम एन ओ में तो लंग है लेकिन ओ पी में लंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन हम लोग को क्या क्या दिया जाए, टाइगर दिया, ठीक, मैमल, टाइगर मैमल हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रेप्टाइल हो गया, गोरिल्ला क्या हो गया, मैमल हो गया, शार्क क्या हो गया, फिश हो गई, ठीक है। अगर देखा जाए तो फिश किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं, फिश जो है आपकी जो फिश होती है उनमें क्या पाया जाता है, गिल्स होता है रिस्पिरेशन के लिए, ठीक, और जो लंग्स होते हैं रिस्पिरेशन के लिए वो जो होते हैं बर्ड्स हुए, रेप्टाइल्स हुए, मैमल्स हुए, इनमें होता है लंग्स, तो फिश में तो गिल्स पाया जाता है। इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं, तो कंफर्म हो गया ये चौथा है जिसमें लंग अब्सेंट है वो कौन सा होगा, वो कोई फिश ही होगी यानी शार्क ही होगा, यानी इस हिसाब से तो हम लोग ये डी ऑप्शन तो इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पी में जो ऑप्शन दिया लिजार, लिजार में तो लंग ही होता है, ठीक है। अब देखिए अब तीन ऑप्शन बताए इलिमिनेट कर, अब आ जाते हैं हम लोग एमनियोटिक मेम्ब्रेन पे। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो होता है प्रोटेक्ट फूड प्रोवाइड करता है, मतलब इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, जो इम्ब्रियोज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है, टेट्रापोड में पाया जाता है, ठीक है, जितना भी टेट्रापोड होते हैं उनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो टेट्रापोड में कौन आ जाएंगे, लिजार्ड भी आ जाएगा, गोरिल्ला भी आ जाएगा, टाइगर भी आ जाएगा, ये तो तीनों आ जाएंगे, शार्क नहीं आएगा, शार्क तो ऑलरेडी हम लोग लिमिट कर सकते हैं, ये भी कोई मतलब डेफिनेट हम लोग को इसके आंसर नहीं मिलता। अब हेयर में आ जाइए, यम के पास हेयर नहीं है, किसके पास हेयर नहीं है, यम में, टाइगर के पास तो हेयर होता है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, लिजार्ड के पास हेयर नहीं होता, ये हो सकता है, ठीक। और उसके बाद शार्क के पास भी हेयर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन पहले हम लोग इलिमिनेट कर चुके हैं, तो इसका कोई आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, यानी अब दो ऑप्शन बचे हम लोग के पास, डी और सी। अब अगला आ जाते हैं, टेल के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, टेल किसके किसके पास नहीं है, यम के पास टेल है, लिजार्ड के पास टेल होता है, टाइगर के पास भी टेल होता है, लेकिन ओ के पास टेल नहीं है। अच्छा ओ कौन कौन है, गोरिल्ला और टाइगर, तो टाइगर के पास तो टेल होता है, ऑप्शन भी गलत, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। देखिए गोरिल्ला क्या होता है हम लोग का, ये इवोल्यूशनरी ह्यूमन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो वह इवोल्यूशन जब हुआ था तो गोरिल्ला के समय में जो आपका टेल था वो क्या हुआ था, फिनिश हो गया था, यानी टेल नहीं प्रेजेंट था, यानी तो ऑप्शन नंबर का कौन सा हुआ, सी ऑप्शन हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री ऑर्गेनेल पी क्यू आर बिलोंगिंग टू द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ आर टैबुलेटेड बिलो। अब देखिए पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है, ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनेल थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, थ्री डोमेन्स ऑफ ओरिजिन पे, ठीक है। उस जो कार्लोस थ्योरी दिए थे उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया था आर्की को, बैक्टीरिया को, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको तीन क्लास में डिवाइड, डोमेन्स में डिवाइड किया था, आर्की में, बैक्टीरिया में, यूकेरिया में, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ये नहीं जानते, अगर इस टॉपिक को बारे में हम लोग नहीं जानते तभी भी इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहली बात इंट्रॉन क्या होता है, इंट्रॉन क्या होते हैं, इंट्रॉन जो होते हैं वह स्प्लिट चेन का पार्ट होता है, ठीक है। मतलब एक डीएनए, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। जो डीएनए होगा क्या, वो जितने भी डीएनए होते हैं वो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, उनका डीएनए का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनता है, और आरएनए का ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है, ठीक। क्या जितने भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जितने भी डीएनए के मान लीजिए सीक्वेंस हैं, क्या सभी पार्ट लेते हैं क्या ट्रांसक्रिप्शन में, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत से डीएनए के पार्ट हमारे क्या होते हैं,
उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, केवल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जिन पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होता है और आगे चल के एमआरएनए बनाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इंट्रॉन, ठीक है। और जिनका जिन जिन पार्ट का आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता उसको, उस पार्ट को कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। हो सकता हो हम उल्टा बोल दिए, ठीक है। बेसिकली एक्सॉन का आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इंट्रॉन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ठीक है। सॉरी अगर उल्टा हो गया होगा तो, ठीक। अब देखिए स्प्लिट जीन का मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, एडवांस्ड है मैकेनिज्म, यानी बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया गया था, ठीक है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इससे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे यूकेरियोट प्रोकेरियोट का। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है यानी प्रोकेरियोट है, एब्सेंट है यानी प्रोकेरियोट है, और ये यूकेरियोट है। अब आ जाइए पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपका, जो पेप्टिडोग्लाइकन था वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था कि बैक्टीरिया के क्लास को, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया एक केमिकल होता है पेप्टिडोग्लाइकन जो आपके सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल वॉल में, ठीक। अब आ जाइए न्यूक्लियर एनवलप, वो सेम केस है प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, ठीक है। अब देखिए इंट्रॉन्स का केस, सबसे एडवांस्ड कौन है, आर है, और ये यूकैरियोट भी है। उससे एडवांस, उसके बाद एडवांस कौन है, पी है, ठीक। उस सबसे कम एडवांस कौन है, यानी सबसे पुराना कौन है जिसमें साफ ऑब्सेंट है, ये कौन सा, आर्की, ठीक है। यानी सबसे आर्की का मीनिंग ही होता है पुराना, ठीक है। अगर हम लोग को एक थ्री डोमेन्स नहीं मालूम है क्या होगा, देखिए सबसे स्मार्ट कौन है, पहले यानी यूकैरियोट, सबसे पुराना कौन है, क्यों, अगर क्यों सबसे पुराना है तो सबसे किनारे उसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्यों सबसे किनारे हो गया, अब देखिए इंट्रॉन्स कुछ में समझ में इंट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो पहले पी आया होगा, ठीक। पी के बाद इवॉल्व, सबसे एडवांस फीचर किसका है, क्यू का, तो सबसे लास्ट में क्यू आया होगा। और इंट्रॉन कुछ जिन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पी के ही किसी इनिशिएशन से ही क्यू बना होगा, तो किस ऑप्शन से नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में। पहले ए हो गया आपका, मान लीजिए देखिए ए हो गया आर की, क्यू हो गया आर की हो गया, पी क्या हो गया आपका, बैक्टीरिया हो गया, पी क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और आर क्या हो गया आपका, यूकेरिया, ठीक है। जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे जिनको हम लोग एर्की कहते हैं, एर्की बैक्टीरिया, उनमें प्रेजेंट होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। यूकेरिया, तो देखिए पहले कौन, देखिए आर्की बैक्टीरिया में साफ स्प्लिट इंट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है। कुछ का इंट्रॉन प्रेजेंट था कुछ जीन में पी के, यानी पी पी के ही कुछ इनिशिएशन से इवॉल्व हुआ है, क्यों, तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, बाकी सब ऑप्शन तो हम उससे डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।